हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का पाकिस्तान टीम रोज में, जिसमें तुम लोग हमें रोज करते हो। तो तुम लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अच्छी खासी है। PSL के एक मैच की एक वीडियो देख ले जरा। क्या है ये, करना क्या चाहते हो भाई? तो उल्टा बैठ, कल से तो फिर उल्टा बैठ से बैटिंग कर लेना ना भाई, सीधे बैठ से क्यों खेलते? भाई के सर से हीट निकल रही है, बताओ। ओवर खेलो, पाकिस्तान में जाते हैं, बहुत शौक है ना पाकिस्तान में आके खेलने का। ओवर खेलो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। पहले आप मैं कैच भाई, कॉल करके कैच लो ना। लेकिन कोई समझा इनको? समझते हो, इनको आती नहीं। जैसे कि पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वीडियो में हमने एक पाकिस्तान फैन का रिएक्शन देखा, वैसे ही उसी पाकिस्तानी फैन का रिएक्शन देखेंगे हम जब इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था 2018 में टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान पर, और वही पाकिस्तान ने मैच जीता था 9 विकेटों से। आइए देखते हैं। हमें पहले भी तो आइडिया था लॉर्ड्स में, लेकिन ये जो खुशी आज मिल गई है, ये खुशी जो आवाम को मिल गई है, और देखिए हार जीत अपनी जगह, लेकिन 9 विकेटों से जीतना अगली अगली यही बिस्ती ठीक है। देखिए हम प्यार को इतना दुख मिले, लेकिन 9 विकेटों से जीतना, वो भी रमजान करीम के बाबरकत महीने में, जहां सैरी करने के बाद तैयारियां हो रही थी कि मैच देखा, इतनी दुआएं इन्हें दे नसीब चंगे हों, बुढ़िया ने 10-10 बच्चे हों, इन्होंने जो सीर यहाँ पे कर दिया, मैं ऐलान करना चाहूंगा कि अगर कोई इनको कुछ नाम देना चाहता तो दे रहे मेरे को दे। मेरी पीछे से कोई कह रहा है कि 10 बच्चे तो बीविया कितनी हुई, ये होते पाकिस्तानी फिर ये कहते हैं कि हमें क्यों रोज करते हो? आ गया भाई, अरे वो कभी कभार गलती से हो जाता है, और क्या क्या होता है गलती से सब बताता हूँ मैं। रुक, सेम टू सेम, ज्यादा इंग्लिश ना बोलना पड़े इसलिए विराट भाई की हाँ में हाँ मिला दो और सेम टू सेम कह दो, खाने का टाइम। धोनी भाई ने किया, विराट भाई ने किया, तो आपको भी करना है, और करने में फिर यही हालात होते जो दिखे। आप लोगों ने किया तो एक बार हमें भी करना। यह है पाकिस्तानी कैप्टन, आपने किया हम भी करेंगे। शक्ल देखिए अपनी। Australia has 6 right-handers in their top 7 and you played a left-arm spinner. Was that the main reason you played a left-arm spinner? I think so, it's just team plan, so I'm just not for top four now, this because our captain and management decided, so I'm just playing as a player, not for our team management. वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली आई एम जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू कि ही जस्ट डिसाइडेड फॉर ना मैनेजमेंट एंड कैप्टन, नॉट फॉर मी, सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन, सो इट्स जस्ट लॉट ऑफ राइट हैंड इन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, सो वन इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, इट जस्ट गो टू इन अ शो द एबिलिटी, सो आई थिंक सो इज अ ज़ुल्फ़िकार बाबर इज एक्सीलेंट बॉलिंग इन अ सर्कल। Well, Umar, at once Australia was cruising towards victory when Finch and Maxwell were batting. Do you think in which moment or in which particular over the momentum shifted towards Pakistan? I think so. It's a moment for Gulibai.
because he's a good Yorker, so he just come back in a match in बताओ इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो क्या करना क्या आता है तुमको भाई ना क्रिकेट खेलना आता है ना इंग्लिश बोलनी आती है ना इंग्लिश समझ नहीं आती है भाई ये सब मतलब मेरी समझ से बाहर है ये सब चीजें you concentrate on to make it better I think actually we do not fielding you know had a brain other day so actually we do nothing भाई खुद ही बोल रहा है कि हमने कुछ नहीं किया भाई जो तुम लोग बोल रहे हो खुद को भी समझ आ रहा है मुझे तो नहीं लगता कि तुमको खुद को भी समझ आ रहा होगा कि तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो वो क्या क्या पूछना क्या चाह रहा है तुम बोलना क्या चाह रहे हो भाई रिपोर्टर क्या बोल रहा है तुम क्या बोल रहे हो जवाब क्या दे रहे हो सवाल अलग जवाब अलग है ना मेरी समझ से बाहर जा रहा है ये सब तुम्हारे भाई तुमसे अच्छे इंग्लिश तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना स्कूल जाते वो बोल लेते हैं यार तुम लोग क्या कर रहे हो वही मतलब पाकिस्तान एक बड़े क्रिकेट प्लेयर हो के भी तुम लोग को ये इंग्लिश नहीं आ रही तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता भाई कुछ नहीं हो सकता आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे जरा दबा कर लीजिएगा क्योंकि जब भी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और कमेंट करके बताइएगा कौन सा बेहतरीन वीडियो का पार्ट था जो आपको अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और घर में ही रहिए जितना हो सके इन दिनों में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू